नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। नवरात्रि के सम्मान में बेला मंडल में महाकाली माँ की आरती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और आज माँ काली की आखिरी दिन यानी 90वें दिन पूजा अर्चना की गई। प्रतिदिन सुबह महिला व युवा ब्रह्म मूर्ति व्रत में शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं और आज नवमी के मौके पर महिलाओं ने 1001 आरती के साथ काली माँ की पूजा की। विजयदशमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विजयदशमी, जिसे दशहरे के नाम से भी जाना जाता है, पहले 9 रातों तक देवी बहुत भक्तिपूर्वक पूजा की जाती है और शरण नवरात्र के दौरान हर देवी की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। पहले 3 दिन पार्वती के रूप में, अगले 3 दिन लक्ष्मी के रूप में और अंतिम के 3 सरस्वती के रूप में पूजा की जाती है। ऐसी गहरी मान्यता है कि यदि आप नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा करते हैं तो 10 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और वो पाप धुल जाते हैं। शरण नवरात्र में दुर्गा नवदुर्गा के श्रृंगार में पराशक्ति का दर्शन होता है और नवरात्रि के पहले दिन अम्मावारु यानी भक्तों को हिम्मत वो बेटी शैलपुत्री के रूप में दिखाई देती है और जो नंदी के वाहन पर त्रिशूल धारण करती है, और दूसरे दिन पराशक्ति बाला त्रिपुरा सुंदरी देवी अपने श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देती है, और तीसरे दिन गायत्री देवी का वैदिक स्वरूप सभी मंत्रों को स्रोत गायत्री मंत्र है, और तीसरे दिन वो मुक्ता विद्रुम हेमा नीला और ध्वजला के 5 चेहरों के साथ प्रकट होती है, और चौथे दिन त्रिपुरा में ललिता देवी दूसरी शक्ति है और देवी उपासकों के लिए मुख्य देवता है। 5वें दिन कामेश्वर के त्रिगुण स्वरूप में प्रकट होती है। शरण नवरात्रि में मूल नक्षत्र का बहुत विशिष्ट महत्व माना जाता है और वो दिन जब माता जगन विद्या की जननी सरस्वती के रूप में प्रकट होती है। पुराणों में सरस्वती को ब्रह्म चैतन्य का अवतार भी बताया जाता है। 6वें दिन अन्नपूर्णा देवी, 7वें दिन माँ लक्ष्मी के रूप में, 8वें दिन देवी दुर्गा के रूप में और 9वें दिन महिषासुर मर्दिनी देवी दर्शन देती है। नए अवतारों में से महिषासुर मर्दिनी को महागरूपा माना जाता है। वर्षापासूनची सुरू आहे। सकाळी रोज आरती होते,